माई चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंडियन ट्रेडिशनल फेस्टिव मेकअप लुक। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए जानने के लिए कि इस लुक को मैंने कैसे किया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ इनसाइड की आईब्रो पैलेट। इस आईब्रो पैलेट में एक छोटा सा एंगुलर ब्रश मिलता है, तो उसी से मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। एक साइड मिलता है स्कूली, तो स्कूली से मैं अपने आईब्रो को ब्रश भी कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एन बाय बी का HD स्पॉटलेस कंसीलर। इसमें मेरा शेड है 01। तो आईब्रो को क्लीन करते हुए मैं पहले कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद पूरी आईलेट में कंसीलर को मैं अप्लाई कर लूंगी, जिससे कि जो डार्कनेस है वो कैंसिल आउट हो जाए। उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। तो आप जब भी ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करो, पहले उसे अच्छे से भिगो लेना, एक्स्ट्रा पानी निकाल देना, उसमें एकदम पानी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करो, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर। इससे मैं कंसीलर को अच्छे से सेट कर दूंगी। कंसीलर को सेट करना बहुत जरूरी है, उसके लिए आप कोई भी लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलेडिन का काजल, जो कि ब्लू शेड में है। इससे मैं अपने अपर लैश लाइन में एक थिक लाइन ड्रॉ करूंगी, ज़्यादा ऊपर की साइड नहीं जाऊंगी। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। उसके बाद एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, इससे मैं काजल को अच्छे से स्मच कर दूंगी। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ब्राउन कलर का आई शेडो। इसको एक फ्लफी ब्रश में लेके क्रीज लाइन में मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी, एकदम अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट। इसमें से जो ब्लू कलर है, एक सिमरी शेड है, इसको मैं फिंगर में पिक करके, मैंने जो काजल स्मच किया था ना, जस्ट उसी के ऊपर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद एक छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश से एजेस को मैं अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। अब जो भी कलर अप्लाई करो उन्हें ब्लेंड अच्छे से करो, कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए। उसके बाद फिल्पी ब्लेंडिंग ब्रश में ब्राउन कलर को मैंने फिर से पिक किया हुआ है, और इसे मैं क्रीज लाइन में फिर से अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ लैक्मी आइकॉनिक का आई लाइनर। इससे मैं आईलाइनर को ड्रॉ कर लूंगी। ये जो आईलाइनर है बहुत ही अच्छा है, और जब इसमें डिस्काउंट चलता है ना, तो आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करता है और जेट ब्लैक है। तो इस आईलाइनर से आईलाइनर को मैं अप्लाई कर लूंगी। फिर वही एलिडिन का काजल लूंगी और इसे मैं अपने लोअर वाटर लाइन में अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। ब्लू कलर का आई शेडो लेके लोअर लैश लाइन में अच्छे से स्मच करूंगी। उसके बाद मस्कारा अप्लाई करूंगी। तो मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मार्स का मस्कारा। इससे मैं अपनी अपर लेस और लोअर लेस को अच्छे से कोट करूंगी। उसके बाद ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑफ कैमरा फर्स्ट लेसेस अप्लाई कर ली हैं। अब मैं करूंगी फेस मेकअप। तो फेस मेकअप में सबसे पहले मैंने यहाँ पे एन बाय बी का फेस वाइप्स यूज किया हुआ है। इससे मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूंगी, जिससे कि अगर कहीं पे भी डस्ट आउट हुआ हो तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूंगी। फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर क्रीम। तो इससे मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूंगी। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर। इसको मैं पहले फेस में डॉट डॉट करूंगी। उसके बाद हल्के हाथों से पूरे फेस में मसाज करूंगी, जिससे जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाए, क्लोज हो जाए, और मेरा जो मेकअप है लंबे समय तक फेस में टिका रहे। आपके पास जो भी प्राइमर अवेलेबल है, आप उस प्राइमर का यूज करें। इन सबको अप्लाई करने के बाद कम से कम 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि सारा कुछ मेरी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। फिर मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है 01 लाइब्रेरी ग्लो। फाउंडेशन को सबसे पहले मैं अपने हैंड्स में निकाल रही हूँ, उसके बाद फिंगर टिप से पूरे फेस में मैं डॉट डॉट करते हुए अप्लाई करूंगी। ये जो फाउंडेशन है, जब इसे मैं फेस में डॉट डॉट करती हूँ ना, तो ये थोड़ा सा वाइट लगता है, लेकिन जब इसे मैं ब्लेंड करती हूँ तो मेरे स्किन टोन के साथ अच्छे से मैच हो जाता है। मैं अपने नेक में भी फाउंडेशन को अप्लाई करूंगी। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से मैं फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। जब तक ब्लेंड करूंगी, जब तक ये जो फाउंडेशन है एकदम ब्लेंडेबल ना दिखे। ये जो फाउंडेशन है मुझे ज़्यादा तो पसंद नहीं आया है, और मैं आप लोगों को रिकमेंड भी नहीं करूंगी। मैं आप लोगों को वही चीज़ बोलती हूँ जो मुझे पसंद आती है, नहीं तो नहीं बोलती हूँ, ठीक है, लेने के लिए। फिर मैं वही कंसीलर ले रही हूँ जो कि एन बाई वी का है। इसे मैं अपनी अंडर आई, नोज में, माउथ के अराउंड अप्लाई कर रही हूँ, और थोड़ा सा फॉरहेड में, और आईब्रो के ऊपर भी कुछ इस तरीके से मैं कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ। इससे ना आईब्रो का लुक बहुत ही अच्छा आता है, हमारी आईब्रो एकदम शार्प दिखती है, नेट एंड क्लीन दिखती है। ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से मैं इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। ये जो कंसीलर है ना, अच्छा है, बहुत ही क्रीमी है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, और अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करते हो तो आपको फुल कवरेज दे देगा, लेकिन अगर आप
थोड़ा सा कम अप्लाई करते हो तो आपको उतना कवरेज नहीं मिलेगा। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का बेकिंग पाउडर जो कि लूज पाउडर है, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी अंडर आई में, थोड़ा सा मैं नोज में अप्लाई करूँगी जॉ लाइन में। और अगर आपको लगता है कि आपके फेस में कहीं पर भी आपको ज़्यादा पसीना आता है तो आप वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लूज पाउडर अप्लाई कर सकते हो। फिर NYB के कॉन्ट्रोल फेस पैलेट में से मैंने कॉन्ट्रोल सेट को पिक किया हुआ है और अपने फेस को मैं कॉन्ट्रोल कर ले रही हूँ। और नोज को मैं कंट्रोल करूंगी फिंगर से ना आप अपनी नोज को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, सच में आपकी नोज एकदम स्लिम दिखेगी। और अगर आपको नीड नहीं है कंट्रोलिंग की तो आप लोग इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ पाउडर ब्रश और एक्स्ट्रा पाउडर को मैं डस्ट आउट कर रही हूँ, और जो ब्रश में पाउडर आएगा ना उसी से मैं अपने मेकअप बेस को सेट कर लूंगी, अलग से मैंने पाउडर नहीं लिया हुआ है। फिर मैं अप्लाई करूंगी ब्लश, तो ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ NYB का एक ब्लश जो कि सिंगल पैलेट में आपको मिल जाएगा। तो स्माइल करते हुए मैं ब्लश अप्लाई कर लूंगी। फिर मैं यहाँ पे अगेन NYB का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, अपने फेस के हाइस्ट पॉइंट को मैं हाईलाइट कर लूंगी। अब मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक, तो लिपस्टिक के लिए मैंने दो लिपस्टिक ली हुई है, एक है ब्लू हेवन की पाउडर मेट लिपस्टिक, एक है स्विस ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक, और एक में मेरा शेड है B03 और एक में शेड है 23 न्यूड, इकोनिक न्यूड। हाँ इकोनिक न्यूड, दोनों सेट बहुत ही अच्छे हैं। तो पहले मैंने ब्लू हेवन की पाउडर मैट लिपस्टिक अप्लाई की जो कि एक मैट लिपस्टिक है, एक बुलेट मैट लिपस्टिक है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक जो कि एक लिक्विड लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छा कलर आया था दोनों को अप्लाई करने के बाद। मेकअप सेटिंग स्प्रे से मेकअप को सेट कर लिया है और ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।